नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं बादली के प्राचीन शिव मंदिर में। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या के अवसर पर बादली की शिव कमेटी के द्वारा शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में जो दूर दराज से लोग, जो बादली के जो लोग हैं, जो दूर दराज से शिव भक्त हैं, वो यहाँ कांवड़ लेके पहुँचते हैं और शिव भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। हमारे साथ बादली के लोग हैं, सभी से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ बादली के कमेटी के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ सभी हैं, तमाम गांव के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते पहले प्रधान जी से ही। प्रधान जी, लगातार काफ़ी वर्षों से आयोजन किया जा रहा है शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया जाता है, क्या कहेंगे अपना प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ हर साल कांवड़ियों की सेवा दी जाती है और शिविर लगाया जाता है। जी, तो अपने गाँव में भी अब की बार का डाक कांवड़िया अनेक प्रकार की कांवड़ मिल जाती है, तो शिव भक्तों के लिए क्या कहेंगे, कितनी कांवड़ आ चुकी है? करीब गांव के या बाहर के बहुत कुछ कांवड़ी आ चुके हैं और 7-8 कांवड़ आने बाकी है। डाक कांवड़ जी, 7-8 डाक कांवड़ आने भी बाकी है। हमारे साथ सिद्धि मास्टर जी से भी बात करेंगे, कितनी कांवड़ आ चुकी है, जो कहाँ तक पहुँची है, क्या डाक कांवड़ रखा हुआ है? कांवड़ तो हमारे यहाँ शिव मंदिर में, प्राचीन शिव मंदिर है, हमारे जितने गांव के नज़दीक के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के जितने भी भक्त हैं, सभी यहाँ अपनी कांवड़ लेके आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करते हैं। और करीबन गांव, हर गांव से यहाँ बंदा रुक के जाता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसको ही पहले पूजा जाता है, उसके बाद वो अपने गाँव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ढेरों भक्त अपना पूरा समय लगा के फिर आगे निकल पाए। जी, बादली की यदि बात करें तो बादली का ही मंदिर है, बादली की बात करें तो बादली में डाक कांवड़ की कितनी संख्या की बात आई? डाक कांवड़ लगभग 20 के करीबन डाक कांवड़ जा चुकी है बादली से, अभी वो रास्ते में है और कुछ रात को और कुछ सुबह तक अपने समय, ये निर्धारित समय के अनुसार यहाँ पहुँच जाएंगी। जी, जिस तरह शिविर का जो आयोजन किया गया है, तो शिविर में किस किस तरह की कांवड़ियों के लिए? ये वर्षों पुराना अपना जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसके अंदर शुरू से ही भंडारे का और यहाँ ठहरने का प्रबंध रहता है और हर साल की भांति जैसे कमेटी है अपने शिव मंदिर की, प्राचीन कमेटी है और उसके साथ में जो अपने इनके साथी हैं प्राचीन कमेटी के, उसके जो सभी साथी हैं वो सब मिलकर यहाँ सहयोग करते हैं। हर वर्ष भंडारा और रात को भजन का प्रोग्राम किया जाता है। जी हाँ, शिव मंदिर की कमेटी से हमने बात की, कुछ और गांव के लोग भी हैं, सभी से बात करेंगे। कमेटी के द्वारा जो है यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और रात को भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। आइए बात करते हैं कुछ गांव के लोगों से। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिविर आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? शिवरात्रि का मनाया जा रहा है पूरे देश में और हमारे गाँव में बादली में भी हर एक शिव मंदिर में मनाया जा रहा है। जो हमारा मंदिर है इसमें बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, सारे प्रबंध किए हैं कमेटी ने, कावड़ियों की सेवा चल रही है। जी, डाक कावड़ भी रास्ते में है? हाँ, डाक कावड़ भी रास्ते में जी, 10-12 डाक कावड़ आएंगी अभी, रात को पहुँचेंगी वे, बहुत अच्छी तरह से। डाक कावड़ भी लाई जा रही है, गांव बादली गांव से लगभग 15-20 डाक कावड़ लगाई जा रही है जो भी रास्ते में है। कुछ की संभावना है कि रात को पहुँच जाएंगी और कुछ का है कि धीरे धीरे टाइम लगाते आती जा रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। शिव मंदिर में आज शिव किया गया पूर्व संध्या पर, मुख्य बात क्या कहेंगे? हर साल ये लगता है अपना शिव मेला और काफ़ी दिन से, मतलब हमारा जन्मदिन हुआ है जब से चल रहा है और पूरे गांव का सही हो गया है, बहुत सुख शांति से है, बहुत बढ़िया। जी, क्या कहोगे बाबू जी शिवरात्रि को लेकर, शिविर आयोजित किया गया शिव मंदिर में? बम बोल रहे हैं, बम बम बोल रहे हैं। जी, अरे कुछ और गांव के लोग सभी से बात करेंगे, क्या कहेंगे शिवरात्रि का आयोजन है पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया शिव का? साल है सही होता है, बराती मंदिर मंदिर को मान बड़ी ही प्यारी प्यारी यहाँ कांवड़ लाई गई है, सुंदर सुंदर कांवड़ लाई गई है बादली वासियों की तरफ से। आइए हमारे साथ कुछ और गांव के लोग भी हैं, डॉक्टर खटान जी, डॉक्टर क्या कहेंगे, बड़ी प्यारी प्यारी कांवड़ लाई गई है, सब भोले की कृपा है आप और लाने वाले को बड़ी मेहनत है, कृपा है, तो सब भोले के उससे हो रहा है। जी, अब की बार प्राकृतिक आपदाएं भी रास्ते में कई आई थी, तो बादली गांव के जो लोग कांवड़ लेने के लिए गए थे उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके से? क्या बिल्कुल ठीक ठाक, भगवान की दया से, भोले की दया से सब सुख शांति से अपने ठिकाने पहुँच रहे। ठीक, धन्यवाद जी।
देखो ये तो प्राकृतिक है, इनको तो हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति है, प्रकृति तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन सभी जितने भी भारतवर्ष में से कांवड़िया थे सब सुख शांति से सब अपने गंतव्य के साथ अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपका समाचार कैरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इतना अपना कीमती समय निकालते हुए हर जगह जगह जाकर सभी कांवड़ियों से और सभी अपनी कमेटियों से उनकी जानकारी ले रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से आपकी समाचार कैरी आगे बढ़ती रहे, हम यही भगवान से प्रार्थना करें। धन्यवाद। शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं जो लगातार कांवड़िया भी आने लग रहे हैं शिव मंदिर में और कुछ हमारे साथ मौजूद भी हैं। कांवड़ लेने गए थे आप बम बोड़े। कितने दिन आपको लगे रास्ते में, क्या क्या कुछ बताएंगे? 7 दिन लगे हमें कांवड़ लाने में, रास्ते में कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं आई, बारिश पूरे रास्ते बारिश आई है, हमें कहीं धूप दिखाई नहीं थी। कहाँ, हरिद्वार से लाया, कहाँ से लाया आप? हरिद्वार से, हर की पौड़ी से हमने जल उठाया है। 7 दिन लगे हैं? 7 दिन। आप भी कांवड़ लेके आए हैं क्या? 7 है नहीं, हम 7 हैं, लेकिन बादली गांव के मंदिर में जो भी कांवड़ी आए हैं उनकी 6 दिन की स्वागत है। और जो कमेटी के द्वारा काम किया जा रहा है वो भी सराहनीय है, जो कि कांवड़ियों के लिए आगे भी प्रोत्साहन का कार्य कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि आगे कार्य बढ़ाया जाए और इसी तरह कांवड़ियों की सेवा का आनंद लिया जाए। शिविर लगता है, कांवड़ियों की अच्छी सेवा होती है, कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं, भंडारा करते हैं, यहाँ पर कमेटी की तरफ से।